सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय जयकरा का यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए अंक ज्योतिष मतलब आपकी जन्मतिथि क्या है, इसके आधार पर क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, किस रंग के कपड़े पहनने से, किस रंग का प्रयोग करने से, किस रंग का वाहन प्रयोग करने से आपके जीवन में उन्नति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य सिद्ध होंगे, ज्योतिष में तमाम मुहूर्तों के विषय में आपको बता रहा हूँ। वासु दोष दूर करने के लिए तमाम छोटे छोटे उपाय आपको बड़े उपाय सब बताया हूँ, आप उनको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसलिए मेरा भी उत्साह वर्धन हो रहा है। मैं आपके लिए नई नई बातें आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत वीडियो में आपको मैं गुरु पुष्य योग विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। साथियों, गुरु पुष्य योग क्या हुआ, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे जैसे 12 राशियाँ होती हैं, उसी तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र जो होता है यह अत्यंत प्रभावशाली होता है, यह नक्षत्रों का राजा होता है। और साथियों, हर नक्षत्र का एक अलग अलग गुण है, विशेषण है, अवगुण भी है। किस नक्षत्र में जन्म लेने से क्या फल मिलता है, यह बहुत विचारणीय विषय है। तो जैसे हमने आपको बताया कि इस प्रस्तुत वीडियो में आपको मैं गुरु पुष्य योग विषय बताने जा रहा हूँ। तो गुरु पुष्य कब हुआ कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है तो उसको हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो साथियों, इसमें गुरु पुष्य योग में क्या क्या हम करते हैं, गुरु अथवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति, अपने पंडित, पुरोहित इत्यादि से मंत्र की दीक्षा लेना, ज्ञान प्राप्त करना, धन भूमि विद्या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, गुरु धारण करना और विदेश यात्रा आरंभ करने के लिए यह अत्यंत सुयोग मतलब इस समय होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये जो पुष्य नक्षत्र होता है इसमें विवाह नहीं होता है, विवाह के लिए यह नक्षत्र वर्जित है। तो आइए, इस जो वर्तमान जो हमारा संवत और वर्ष चल रहा है 2024, इसमें साथियों 26 सितंबर को रात्रि के 11:35 से लेकर के और 27 सितंबर के सूर्योदय तक का समय होगा, यह गुरु पुष्य योग के रूप में लागू रहेगा। और रात्रि में तो कोई विशेष योग प्रयोजन नहीं होगा, लेकिन पंचांग में दिया था इसलिए मैंने आपसे चर्चा कर लिया। फिर 24 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर के और 25 अक्टूबर के सूर्योदय तक का जो समय होगा यह गुरु पुष्य योग में लागू रहेगा, यह अत्यंत शुभदायी फल होगा। हाँ, ये जो 26 सितंबर वाला था इसमें 27 सितंबर के सूर्य भोर में आप गुरु दीक्षा इत्यादि का काम कर ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छा पुण्यदायी रहेगा। फिर साथियों, 21 नवंबर को सूर्योदय से लेकर के और 21 नवंबर को ही रात्रि दिन के लगभग 3:15 तक का समय होगा, यह गुरु पुष्य योग रूप में ग्राह्य होगा। तो मैंने आपको गुरु पुष्य योग विषय में एक अच्छी जानकारी दिया। जैसा मैंने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए यह नक्षत्र होता है, यह योग होता है, अगर आप उस समय में उन कार्यों को करेंगे जो हमने आपको बताया था, तो आपको सदैव सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। आपने हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।